हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल त्यागी। आपका स्वागत है हमारे चैनल विशाल त्यागी ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटर पर। आज की ये वीडियो हमारी यूजर मोना खत्री जी के क्वेश्चन पर है। उन्होंने पूछा है कि सोरा टेम्पलेट में फुटर में सोशल मीडिया आइकन शो नहीं हो रहे हैं, तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि सोरा टेम्पलेट में सोशल मीडिया आइकन या सोशल मीडिया फॉलो बटन कैसे लगाएं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको ब्लॉगस्पॉट एसईओ वर्डप्रेस से रिलेटेड फ्री कंटेंट प्रोवाइड करें तो और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको थीम में जाकर अपनी यहाँ पर सोरा टेम्पलेट अपलोड करनी होगी। हमने अपलोड कर रखी है, तो हम यहाँ भी ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमारी सोरा टेम्पलेट सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आपको सोशल मीडिया के लिंक पुट करके दिखाएंगे और ये बताएंगे कि आप सोशल मीडिया के बटन कैसे अदर मेथड से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि फुटर में सोशल मीडिया जो आइकन है वहां पर अपने सोशल मीडिया के लिंक कैसे पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर जाए और लेआउट पर क्लिक करें और सबसे एंड में जाए आपको वहां पर सोशल मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, सोशल मीडिया आइकन फुटर सोशल मीडिया। यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करें। आपके यहाँ पर जो जो भी सोशल मीडिया के बटन है आप वहां पर एडिट करें और यहाँ पर अपना लिंक पुट कर दें। और यहाँ पर हम ट्विटर का लिंक यहाँ पर ट्विटर यूआरएल पर पुट करेंगे, तो हमारी ट्विटर की प्रोफाइल है यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे पुट कर सेव कर देंगे। अगर आपको लिंक्डइन को शो नहीं करवाना है तो आप यहाँ पर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने फेसबुक पेज का लिंक पुट करेंगे, तो आप अपने फेसबुक पेज के लिंक को कॉपी करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देंगे यूआरएल को सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको ट्विटर को बाद में और फेसबुक को पहले दिखाना है तो आप अपर साइड एरो पर क्लिक करें। अगर आपको किसी सोशल मीडिया आइकन को बाद में दिखाना है तो लेफ्ट डाउन साइड एरो पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने सोशल मीडिया आइकन को पुट कर सकते हैं और इसके बाद में आप सेव पर क्लिक कर दें और उसके बाद में आप अपने ब्लॉग को दोबारा व्यू करें। तो जब भी हम यहाँ पर अपने फेसबुक के लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। ट्विटर के लिंक पर जब भी हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर ट्विटर की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस था सोरा टेम्पलेट में सोशल मीडिया के लिंक पुट करने का। इसके बाद में अगर आपको हेडर में अपने सोशल मीडिया लिंक पुट करने हैं तो वो भी आप इसी तरीके से पुट कर सकते हैं। इसके बाद में आपके साइड बार में फॉलोअर्स के यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन है, यहाँ पर आपको कोई भी कोड देने की जरूरत नहीं, बस आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक पुट करने हैं। तो इसके बाद में आप यहाँ पर अपने ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन कीजिए और यहाँ पर लेआउट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप साइड बार में जाए, साइड बार में आपको फॉलोअर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसे एडिट करें और इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके सारे सोशल बटन शो हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ट्विटर का लिंक पुट करना है, तो आप यहाँ पर ट्विटर की प्रोफाइल का लिंक पुट कर दें। तो हमारे ट्विटर की प्रोफाइल ओपन करेगा और हम इस लिंक को कॉपी करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसे पुट कर देंगे ट्विटर के लिंक को। इसके बाद में हम यहाँ पर अपना फेसबुक का लिंक पुट कर देंगे। ये आचार्य अपने आपको अपने सभी सोशल मीडिया के लिंक पुट करने हैं। इसके बाद में हम अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आचार्य हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ से हम अपने चैनल को ओपन करेंगे, लिंक कॉपी करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल का लिंक पुट कर देंगे। इसके बाद में आपसे आपके इंस्टाग्राम का लिंक मांगेगा, तो आप यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हैं ये आचार्य अपने यहाँ पर और आप इसके बाद में इसे सेव कर दें और इसके बाद में आप अपनी वेबसाइट को दोबारा रिफ्रेश करें। जब भी आप फॉलोअर्स ऑन ट्विटर पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्विटर की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने फॉलोअर्स ऑन ट्विटर पर क्लिक किया और यहाँ पर आपकी ट्विटर की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी।
उसके बाद में जब आप अप्लाई कोड फेसबुक पर क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था सोरा टेम्पलेट पे सोशल मीडिया के लिंक ऐड करने का। अगर आपको सोशल मीडिया के बटन फॉलो बटन अलग से ही ऐड करने हैं फुटर में, तो इसके लिए आप विदाउट कोडिंग के भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एट दिस वेबसाइट का यूज करना होगा। तो हम एट दिस ओपन करेंगे, हमारा यहाँ पर अकाउंट क्रिएट है, हमने लॉग इन करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्लॉगर की वेबसाइट में सोशल मीडिया आइकन्स या सोशल मीडिया बटन को कैसे ऐड करें, तो आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको लॉग इन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी पुट कीजिए और इसके बाद में पासवर्ड एवं पासवर्ड पुट कीजिए और इसके बाद में कैप्चा फिल कीजिए और इसके बाद में आप साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका एड जिसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आपको टूल सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पर एड न्यू टूल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको फॉलो बटन सोरा टेम्पलेट की फुटर में लगाने हैं, तो आप फॉलो बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप इनलाइन चूज करें क्योंकि हमें इनलाइन बटन शो करवाने हैं। इसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करें और अगर आप अदर सर्विसेज को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप यहाँ पर अपने फेसबुक के पेज का यूजर नेम दे, यहाँ पर आप अपनी ट्विटर की प्रोफाइल का लिंक प्रोवाइड करें, और इसके बाद में आप पिंटरेस्ट का अपना यूजर नेम प्रोवाइड करें। और इसके बाद में आप यहाँ पर अगर अपने बटन का साइज सही करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, पोजीशन सेट कर सकते हैं और जिस पेज पर आपको अपने सोशल मीडिया आइकन शो नहीं करवाने उस पेज को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसके बाद में एक्टिवेट टूल पर क्लिक कीजिए और एक बार और एक्टिवेट टूल पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको इस कोड को कॉपी करना होगा और अपने बॉडी क्लोजिंग बॉडी टैग से पहले पेस्ट करना होगा। तो इसके बाद में आप थीम ऑप्शन पर क्लिक करें, कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, एडिट एचटीएमएल पर क्लिक करें और सबसे एंड में जाए आपको यहाँ पर क्लोजिंग बॉडी टैग शो होगा और यहाँ पर अपने इस कोड को पेस्ट कर दें क्लोजिंग बॉडी टैग से पहले और इसके बाद ब्लॉगर की फाइल को सेव कर दें। और इसके बाद में आपको जिस सोशल मीडिया बटन को जहाँ शो करवाना है इस कोड को कॉपी करें और वहां पर पुट कर दें। हमें फुटर में शो करवाना है तो हम यहाँ पर ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर जाएंगे और लेआउट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम एंड में जाएंगे और आपके यहाँ पर फुटर गैजेट में ऐड गैजेट का ऑप्शन है फुटर विजेट में, तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो हम ऐड गैजेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट के सामने प्लस साइन का ऑप्शन मिलेगा, प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने कोड को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे हम फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया और इसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे और व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम एंड में जाएंगे। यहाँ पर हमने सोशल मीडिया आइकन ऐड करे और यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया के बटन शो हो जाएंगे। तो अगर आपको इस फॉलो कोड नहीं दिखाना है यहाँ पर तो आप इस फॉलो को हटा सकते हो। तो एड दिस डैशबोर्ड पर जाए और टूल्स पर क्लिक करें, यहाँ पर इसे ओपन करें, सेटिंग्स पर क्लिक करें और यहाँ पर फॉलो को हटा दें और उसके बाद में अपडेट टूल पर क्लिक कर दें और इसके बाद में एक बार दोबारा अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आपका फॉलो का ऑप्शन हट जाएगा। कई बार आपका ऐसा होता है कि आपके कुछ मेनू या कुछ बिटगेट आपकी लॉक रहती है, अगर आपको उनको अनलॉक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और आपको अगर एडवर्टाइजमेंट का साइड बार में शो करवाना है तो यहाँ पर आप विजिबल में HTML JavaScript को इनेबल कर दें और सेव पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आपका यहाँ पर ऐड का ऑप्शन साइड बार में शो होगा, ये रहा ऐड का ऑप्शन। तो कई बार अगर आपकी बिटगेट लॉक हो तो आप यहाँ पर ऐसे भी अनलॉक कर सकते हैं और सोशल मीडिया आइकन बटन को यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन और सोशल मीडिया फॉलो बटन को यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था सोरा टेम्पलेट में सोशल मीडिया फॉलो बटन को ऐड करने का, सोशल मीडिया लिंक्स को ऐड करने का
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करते रहें। आपका ब्लॉगस्पॉट एसईओ वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें, हम उस पर वीडियो भी क्रिएट करेंगे और आपकी अपनी वीडियो भी मेंशन भी करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।